गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? अंशिका, रितिका, दुर्गेश, रवि विश्वकर्मा, प्रियांश, शिवानी, आनंद, सचिन, एकदम बढ़िया। उदय चंद्र, अर्पित मिश्रा, संदीप दुबे, लक्ष्मी, अश्वनी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बहुत कम स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जा कर रहे हैं बाकी लोग। सर प्लीज क्लास की टाइमिंग चेंज कर दीजिए। अब कितना चेंज किया जाए, क्या टाइम किया जाए बताओ? अब क्या टाइम किया जाए? अभी 5 बजे सही है ना? 8:30 PM। अच्छा अभी रास्ते में। ओके यस सर सही है। 8:30 PM कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। चलो देखता हूँ मैं, कल से मैं देखता हूँ। देखो जे क्वेरी अब ज्यादा दिन का बचा नहीं है, 1 से 2 क्लासेस चलेंगे आज, देखेंगे तो काफी कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है सर। एरर है प्रोजेक्ट में, एरर है तो आप कॉल करिए, ग्रुप में मैसेज करिए, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, इधर से कॉल जाएगा, एरर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना? 8:30 PM पे सही है। ठीक है मैं देखता हूँ, एक बार ग्रुप में मैसेज कर दूं मैं। सर कल क्लास बंद रहेगा? कल क्यों बंद रहेगा? कल क्या है, कुछ है क्या? क्यों कल क्लास बंद रहेगा? क्यों बंद रहेगा? कल क्या है बताओ, क्या हुआ? पानी पिलाए मुझे भी। मेला मेला है, दशहरा कल नहीं है, दशहरा 15 को है ना शायद, बताओ। कल नौमी है। ठीक है नहीं, क्लास बंद नहीं होगा। ठीक है दशहरा कल नहीं है, 15 को दशहरा है। ठीक है तो चलो लास्ट लेक्चर में आपको कौन सा फंक्शन बताया था बताओ।
लास्ट लेक्चर में कौन सा फंक्शन आपको बताया था, कौन सा फंक्शन पढ़ाया था, सेव कर लेते, बताओ। सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया था, डेस्कटॉप पे जे क्वेरी नाम का शायद फोल्डर बनाया था, ये जे क्वेरी, इसी के अंदर सेव कर लेता हूँ। डेमो डेमो 11.html, डेमो 11.html। अच्छा, रिमूव क्लास और टॉगल क्लास, ओके, रिमूव क्लास और टॉगल क्लास, ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास, ये बताया था ना। तो चलो, ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास और हैश क्लास, एंड नोट्स की बात कर, आपको बताया था कि इसमें कितने फंक्शन बताऊंगा। देखो, वैल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, एचटीएमएल फंक्शन, एटीटीआर, सीएसएस, ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास, प्रॉप फंक्शन, हाइड फंक्शन, शो फंक्शन, टॉगल फंक्शन, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल, फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल, फेड टू एनिमेट, हैश क्लास, ऐसे। एम्प्टी फंक्शन, एम्प्टी फंक्शन भी देखेंगे, रिमूव फंक्शन भी देखेंगे। 24, अपेंड फंक्शन भी देखेंगे, प्री एंड फंक्शन भी देखेंगे, प्री एंड। 26, आफ्टर फंक्शन देखेंगे। 27, बिफोर फंक्शन देखेंगे। ऐसे कुछ मल्टीपल फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आपने इसमें क्या क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा वैल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, एचटीएमएल और एटीटीआर। वैल फंक्शन का यूज करते हो किसी टेक्स्ट बॉक्स के, किसी फॉर्म कंट्रोल के वैल्यू को सेट करने के लिए, गेट करने के लिए। फॉर्म कंट्रोल के अलावा कोई टैग है उस पे टेक्स्ट को सेट करना है और गेट करना है तो टेक्स्ट फंक्शन देगा। एचटीएमएल फंक्शन, टेक्स्ट विद टैग आप यूज करना है, करना चाहते हो तो आप एचटीएमएल फंक्शन का यूज करते हो। एटीटीआर फंक्शन का यूज करते हैं किसी एचटीएमएल एलिमेंट के एट्रीब्यूट को सेट और गेट करने के लिए, एटीटीआर फंक्शन का यूज करते हो। जैसे आपने देखा था सो हाइट पासवर्ड किया था, क्यों सो हाइट पासवर्ड किया था, ये एक लास्ट टास्क था शायद। इस पे ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास, ये नहीं, जैसे ये बनाया था। अच्छा, ये ऐड क्लास रिमूव क्लास वाला था, इस पे क्लास ऐड हो रहा है, ये ऐड क्लास इस पे देखा था। वैसे ही ये देखा था आपने पासवर्ड को शो और हाइड करने के लिए, इस पे पासवर्ड आपने बनाया और शो करना चाहते हो, शो किया, क्लिक किया, हाइड किया, ये बनाया था जेक्वेरी से। आते तो अब आते हैं सीएसएस फंक्शन, और उससे पहले कि आपने हैश क्लास, जैसे ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास, वैसे ही हैश क्लास देख लेते। हैश क्लास क्या करता है? हैश क्लास बिल्कुल जैसे आपने क्लासेस ऐड किया, रिमूव किया, टॉगल किया, वैसे हमें ये चेक करने के लिए यूज करते हैं हैश क्लास का कि कोई भी क्लासेस एचटीएमएल एलिमेंट पे एडेड है कि नहीं। मतलब कि मैंने यहाँ पे बनाया हेड सेक्शन और हेड की क्लोजिंग और बॉडी, बॉडी की क्लोजिंग। जे क्वेरी का कोड अगर आप करना चाहते हो तो लाइब्रेरी को लिंक करना पड़ेगा, लाइब्रेरी को लिंक करना पड़ेगा, डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट, पहले लिंक करना है तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। और क्या नाम था आपको याद होगा, उसी लोकेशन पे हम सेव करेंगे, src इक्वल, नाम क्या था, जे क्वेरी हाइफन 3.6.0.js, यही URL था, यही नेम था, और demo12.html। हाँ विवेक, हाँ हाँ विवेक बताओ।
लाइब्रेरी को लिंक किया, देखो लाइब्रेरी यहाँ पे रखा गया है, नाम क्या है, जे क्वेरी हाइफन 3.6.0.js। आते तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे स्क्रिप्ट, और लोड इवेंट तो पहले बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, डॉलर ऑफ क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट, डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और फंक्शन फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, लोड इवेंट तो बना लिया, अब हमें क्या करना है, चलो मैंने कोई भी एक पैराग्राफ लिखा, कोई भी एक क्लास चेक करना चाहते हो कि किसी एलिमेंट पे क्लास एडेड है कि नहीं। अगर मैं बात करूं, मैंने कोई, चलो H1 ही मैंने टैग बनाया, H1 टैग, और मैंने लिख दिया वेलकम टू टेकपाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, वेलकम टू टेकपाइल टेक्नोलॉजी, इसके लिए मैं CSS यहाँ पे देता हूँ, इसके लिए क्लास बनाता हूं। इसका स्टाइल देने के लिए मैंने H1 क्या क्लास कर लिया, या H क्लास कर लिया, क्लास का नाम दे दिया H, कलर को चेंज करना है, लिखा कलर रेड, बैकग्राउंड नेवी, कलर व्हाइट करना है व्हाइट कर सकते हो, कलर व्हाइट किया, बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड येलो, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है तो बॉर्डर हाइफन रेडियस 40 पिक्सल। ठीक, तो एक क्लास हमने बनाया है, क्लास बनाया है एक, इस क्लास को मुझे इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लास को कॉल कर देंगे, कौन सा क्लास बनाया है, एच, इस क्लास को इस पे कॉल कर दोगे तो ये सीधे से अप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये अप्लाई हुआ, देखो रन कराया और ये CSS इस पे अप्लाई हो गया क्योंकि आपने उस क्लास को CSS दे दिया, ये अप्लाई हुआ। चलो सेंटर में करना है टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट को सेंटर में कर लेते हैं, टेक्स्ट हाइफन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट हाइफन साइज 50 पिक्सल। तो देखो ये इस पे अप्लाई हो रहा है, तो हैश क्लास का हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी सिलेक्टेड HTML एलिमेंट पे हमें ये चेक करने के लिए कि वो क्लास एडेड है कि नहीं। अगर मैं H क्लास की बात करूं, आप बताओ, अगर मैं H क्लास की बात करूं एच क्लास H1 टैग पे एडेड है कि नहीं है? अभी बताओ, हमें चेक करना, हमें ये चेक करना है कि इस पे कोई भी क्लास एडेड है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम हैश क्लास का यूज करते हैं। तो ये बताओ कि H1 एच क्लास जो आपने ये क्लास बनाया H नाम का, वो H1 टैग पे एडेड है कि नहीं है, एडेड है कि नहीं है, एड है भाई, आपने कॉल किया है क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके, उस एच क्लास को आपने कॉल किया है H1 पे, यानी कि वो क्लास एडेड है कि नहीं है, है। तो अगर क्लास एडेड होगा तो क्या रिटर्न करेगा, अगर क्लास एडेड होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, हैज क्लास ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो चलो चेक करना है, लोड इवेंट पे चेक करना है, अगर बटन का क्लिक इवेंट पे चेक करना चाहते हो तो बटन के क्लिक इवेंट पे चेक कर सकते हो, मैंने लोड इवेंट पे ही चेक किया, तो लोड इवेंट पे चेक करना है, किस पे चेक करना है भाई, हमें H1 टैग पे चेक करना है, हमें H1 टैग पे चेक करना है कि ये H1 H क्लास इस पे एडेड है कि नहीं। तो इस पे हमें चेक करना है तो पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के लिए क्या लिखोगे बताओ, सेलेक्ट करने के लिए आप क्या लिखोगे बताओ, रिप्लाई करो,
बताओ, सेलेक्ट करने के लिए H1 टैग को सेलेक्ट करना है, H1 टैग को सेलेक्ट करना है तो क्लास के बेस पे सेलेक्ट करना है तो डॉट सिंबल, डॉट H। अगर टैग के बेस पे सेलेक्ट करना है तो डायरेक्टली टैग का नाम लिख सकते हो, यानी कि हमने H1, H1 एक टैग है उसको सेलेक्ट किया, इस पे चेक करना हैश क्लास, कौन सा क्लास, कौन से क्लास को चेक करना है बताओ, कौन से क्लास को चेक करना है, एच क्लास को, एच क्लास को, एच क्लास को मैंने चेक किया किस पे एडेड है कि नहीं, H1 पे ये क्लास एडेड है कि नहीं, और एक वेरिएबल पे होल्ड करा लिया, या तो इसी को अलर्ट करा सकते हो, मैंने वेरिएबल ए कर लिया, यानी कि अभी ए पे क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स बताओ, ट्रू आएगा कि फॉल्स, रिप्लाई करो, बताइए आप, ट्रू आएगा ए पे ट्रू की फॉल्स, देखिए बताओ, यहाँ पे एच क्लास पे इस S1 टैग पे एच क्लास एडेड है कि नहीं है, अगर एडेड होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि एच क्लास इस पे एडेड है, मैंने H1 कर दिया, अब क्या रिटर्न करेगा, अब क्या रिटर्न करेगा भाई, देखो अलर्ट किया और ए को, अब आपने देखो ए पे होल्ड करा लिया, यानी कि H1 क्लास कोई एडेड है क्या, रन कराया इसको, इसको रन कराया, विजिबल है स्क्रीन, फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, लोड इवेंट पे आपने चेक किया, क्या H1 क्लास कोई इस पे H1 पे एडेड है क्या, नहीं एडेड है इसलिए फॉल्स, अगर मैंने एच कर दिया तो एच तो इस पे एडेड है, एच तो इस पे एडेड है, एच इस पे एडेड है तो रन कराओगे तो क्या रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा ट्रू, किया कि नहीं किया, तो ट्रू और फॉल्स इसलिए यूज करते हो, यानी कि किसी क्लास को चेक करने के लिए किसी सेलेक्टेड HTML एलिमेंट पे एडेड है कि नहीं है, अगर एड होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा हैश क्लास, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, क्लियर है सबको, समझ पा रहे हो, बताओ बोलो, यस सर, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं, CSS फंक्शन, CSS, अब आपको HTML से CSS लगाना था, HTML से CSS लगाना था, JavaScript से CSS लगाना था, तो क्या करते थे, अगर JavaScript से CSS आपको अप्लाई करना था तो आप यहाँ पे आते, तो आप क्या करते थे, उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करते थे, आप उस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करते थे, डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी नेम बार बार लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अब CSS फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, CSS फंक्शन इज यूज्ड टू सेट स्टाइल, सेट यूज यूज टू सेट सिंगल और मल्टीपल CSS टू दी सेलेक्टेड HTML एलिमेंट, देखो किसी सेलेक्टेड HTML एलिमेंट पे आपको सिंगल या मल्टीपल CSS अप्लाई करना है एक टाइम पे, तो आप CSS फंक्शन का यूज कर सकते हो, अगर सिंगल CSS की मैं बात करूं, एक बार पे आपको सिंगल CSS एक प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, तो आप क्या करोगे, सिंटैक्स, ठीक है सिंटैक्स, हमने किस पे CSS देना है, सिंटैक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, डॉलर ऑफ सेलेक्टर, डॉलर ऑफ सेलेक्टर डॉट CSS फंक्शन, और उसके बाद क्या डिफाइन करोगे, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम और कॉमा वैल्यू, क्या मतलब है, यानी कि एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें, कोई डिवीजन है, कोई टेक्स्ट बॉक्स है, कोई डिवीजन है, कोई डिवीजन है, कोई टेक्स्ट बॉक्स है, मान लो कोई डिवीजन है, डिवीजन पे मुझे CSS लगाना है, तो मैंने किया डॉट CSS फंक्शन,
और प्रॉपर्टी नेम हमें हाइट सेट करना है, बैकग्राउंड अप्लाई करना है, तो बैकग्राउंड कॉमा, और रेड करना है तो रेड कर दिया। ठीक है, ऐसे जितने भी सीएसएस की प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करने हैं आप वैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो देखो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कर रहे हैं फॉन्ट हाइफन साइज और कर दिया 40 पिक्सल। ऐसे तो प्रॉपर्टी नेम वैल्यू। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक टास्क आपको कराया था ये, तो हाइड पासवर्ड ये नहीं, ये टास्क आपने किया था, अलग से भी देखेंगे, टाइप किया और तो हाइट हो रहा है। हम चाहते हैं इसी टास्क को, इसी कोड को मैं ओपन करता हूं। मैं चाहता हूं कि जब आप इस बटन पे क्लिक करो, ये कोड अगर नहीं किया है तो चलो फ्रेश मैं दूसरे पेज पे इसका अप्लाई करके इसको देख लेता हूँ। HTML हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी बॉडी की क्लोजिंग, सेव कर लेते, demo13.html, demo13.html, हाँ नवीन, object.style.property_name JavaScript में, वेरी गुड। कोड सेंड कर दें, कोड अभी तो कुछ किया ही नहीं, लो कोड ले लो भाई। तो आते हैं इस पेज पे, एक डिवीजन बनाया, आप किसी भी टैग पे अप्लाई कर सकते हो, मैंने डिवीजन बनाया। और इस पे हमको क्या करना है, सिंगल सीएसएस अप्लाई करना है। एक पे अभी सिंगल सीएसएस अप्लाई करेंगे एक टाइम पे, और एक और डिवीजन बना लेते हैं इस पे, एक टाइम पे मल्टीपल सीएसएस अप्लाई करेंगे। दोनों डिवीजन की मैंने आईडी दे दिया, आईडी ठीक है, आईडी इक्वल क्या किया, DB1 कर लिया, और इसकी आईडी कर ली DB2, और दो बटन भी बना लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल बटन, और वैल्यू कर लिया सिंगल सीएसएस, और इस पे कर लिया मल्टीपल सीएसएस। ठीक, दो बटन बनाए, दो डिवीजन बनाया, और क्या करना है, डेमो कौन सा था, 11.html, 11 था, 13 था, demo13.html। ठीक है, इन दोनों डिवीजन पे कोई सीएसएस अप्लाई है क्या, नहीं है। हम बटन पे क्लिक करने पे, हम चाहते हैं कि बटन पे क्लिक करें तो इस वाले डिवीजन पे सीएसएस अप्लाई हो जाए। हम इस बटन पे क्लिक करना चाहते हैं, इस बटन पे क्लिक करने पे इस पे सीएसएस अप्लाई करना है ना, यानी कि सिंगल सीएसएस वाले बटन पे क्लिक करने पे डिवीजन पे आपको सीएसएस अप्लाई करना है। तो बटन पे क्लिक करने पे आपको सीएसएस अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली तो आपको बटन का क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा। तो बटन का क्लिक इवेंट बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो मुझे जेक्वेरी का कोड करना है, तो जेक्वेरी की लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जेक्वेरी की लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी, मैंने इसको कॉपी कर लिया, इस लाइब्रेरी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लगाया, स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट की क्लोजिंग, और लोड इवेंट बनाया, तो डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, फंक्शन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस, ये लोड इवेंट आपने बनाया। लोड इवेंट के बाद हमें क्या करना है,
हमें क्लिक इवेंट बनाना है। चलो बटन की भी एक आईडी दे दिया, बटन की आईडी दे दिया, पहले वाले बटन की आईडी दे दिया BTN1, BTN1, और दूसरे वाले की आईडी दे दिया BTN2। BTNL नहीं है, BTN1 है, BTN1 और BTN2, BTN1 और BTN2। अब देखो दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे आपको CSS अप्लाई करना है या पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे CSS अप्लाई करना है। तो पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे CSS अप्लाई करना है, किस पे? पहले वाले डिवीजन पे अप्लाई करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले बटन पे बटन का क्लिक इवेंट तो बनाना पड़ेगा। तो बटन का क्लिक इवेंट बनाना है तो आईडी क्या है बताओ, आईडी है BTN1 आईडी है, इसलिए हैश सिंबल यूज किया। बटन का क्लिक इवेंट बनाना है तो पता है आपको क्या करोगे, क्लिक करोगे और क्लिक के अंदर फंक्शन और पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, यानी कि पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे BTN1 जिसकी आईडी है उस पे क्लिक करने पे कोई भी कोड करना चाहते हो इस वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर करना पड़ेगा। और दूसरे वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, चलो दूसरे वाले बटन का भी क्लिक इवेंट तो बना सकते हैं। तो दूसरे वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, उसकी आईडी क्या है BTN2, और इसका भी क्लिक इवेंट बनाना है तो क्लिक कर लिया, इस पे फंक्शन और पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, यानी कि पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे जो कोड करना चाहते हो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर करना होगा, और दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे जो कोड करना चाहते हो, जो भी जो कुछ भी काम करना चाहते हो वो कोड आप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर करोगे। तो पहले वाले मैंने बटन पे क्लिक करने पे क्या करना है, पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे क्या करना है कि पहले वाले डिवीजन पे CSS अप्लाई करना है। तो इस वाले कर्ली ब्रेसेस पे आते हैं, पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट जो बनाया है उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते हैं, एंटर करते हैं। हमें क्या करना है, पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे आप जिसकी आईडी DB1 है उस पे CSS अप्लाई करना है। तो CSS क्लिक इवेंट तो आपने बना लिया है, CSS अप्लाई करने के लिए क्या यूज करोगे, जिसपे CSS अप्लाई करना है, जिसपे CSS अप्लाई करना है उसके लिए उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हैश DB1 आईडी है डॉट, क्या करना है CSS अप्लाई करना है तो CSS फंक्शन यूज करोगे, और क्या अप्लाई करना है भाई, आपको हाइट देना है तो हाइट लिख सकते हो, और कितना हाइट देना है, चलो हाइट नहीं देना है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी CSS की प्रॉपर्टी वैल्यू देनी है आप दे सकते हो। मुझे बैकग्राउंड देना है तो मैंने लिख दिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कॉलन नहीं कॉमा, और दूसरे डबल कोट्स के अंदर क्या करोगे वैल्यू पास करोगे, कॉमा से सेपरेट करोगे। तो मैंने किया बैकग्राउंड और बैकग्राउंड दे दिया पर्पल, ठीक है वैसे ही। और इसी डिवीजन पे मुझे टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी है, कलर कर दिया व्हाइट तो व्हाइट आया, कलर व्हाइट। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो देखो ये किसके अंदर कर रहे हैं, पहले वाले बटन के क्लिक इवेंट के अंदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बार बार डिवीजन को सेलेक्ट किया और अलग अलग CSS अप्लाई किया, बार बार डिवीजन को सेलेक्ट किया और अलग अलग CSS अप्लाई किया। कलर के बाद मुझे फॉन्ट साइज देना है, तो यहाँ पे फॉन्ट हाइफन साइज, डबल कोट्स के अंदर है तो हाइफन यूज कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपको बताया था कि हाइफन के जगह पे आप क्या यूज करते थे, याद है आपको कि भूल गए, सर आईडी के लिए होता है क्या ऐसा कुछ? हाँ आईडी के लिए एट्रीब्यूट से चेक कर सकते हो, आईडी के लिए एट्रीब्यूट से ATTR फंक्शन से गेट कर सकते हो, आईडी को ATTR से गेट कर सकते हो, क्लास के लिए है, लेकिन आईडी के लिए चेक करने के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं नवीन, ठीक है ना, बस आईडी गेट कर सकते हो ATTR फंक्शन से। हाँ कैमल केस यूज करते हैं लाइक बॉर्डर रेडियस, वेरी गुड नवीन, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या करते हैं, फॉन्ट हाइफन साइज, तो वहां पे कैमल केस यूज करते थे, यानी कि आपको ध्यान होगा जावास्क्रिप्ट में फॉन्ट का फॉन्ट और हाइफन के जगह पे हाइफन को हटाते थे, उसके बाद का इनिशियल लेटर कैपिटल करते थे, लेकिन यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर चीजें हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अप्लाई हुआ यानी कि पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट आपने बनाया है और उसके अंदर आपने 3 CSS अप्लाई किया, जितना CSS अप्लाई करना है वैसे ही उतना आप डिफाइन कर सकते हो। फॉन्ट साइज देना है,
फॉन्ट साइज हमें क्या देना है भाई, जितना देना है मैंने दे दिया 50 पिक्सल। हमें फॉन्ट टेक्स्ट अलाइन देना है तो टेक्स्ट हाइफन अलाइन, अलाइन टेक्स्ट हाइफन अलाइन, सेंटर करना है तो सेंटर। तो ये सीएसएस कब अप्लाई होगा, ये सभी सीएसएस कब अप्लाई होंगे बताओ, ये सीएसएस, ये चारों सीएसएस कब अप्लाई होंगे गाइस, जब आप बटन पे क्लिक करोगे। ये देखो बटन के क्लिक करने पे आपने ये चारों कोड किया है, तो जब बटन पे क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम अप्लाई नहीं होगा, जब बटन पे आप क्लिक करोगे तो डिवीजन सेलेक्ट होगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल। डिवीजन सेलेक्ट सेलेक्ट होगा, उसका बैकग्राउंड कलर पर्पल, कलर व्हाइट, फॉन्ट साइज 50 और टेक्स्ट अलाइन, सेंटर हो जाएगा। रन कराते हैं, देखो तो बटन किस वाले बटन पे क्लिक करेंगे कि अप्लाई होगा, दूसरे वाले पे कि पहले वाले पे बताओ, किस पे क्लिक करना पड़ेगा, कौन से बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाया है, क्लिक किया और अप्लाई हुआ, क्लिक किया अप्लाई हुआ, ठीक है, इस पे क्लिक किया पहले पे अप्लाई हुआ। लेकिन लेकिन देखो इस पे क्लिक कर रहे हो अप्लाई तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि जितने सीएसएस आपको देने हैं, जितने सीएसएस आपको देने हैं सबके लिए बार बार आपको क्या करना पड़ रहा है, सेलेक्ट करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है कि नहीं। आपको एक प्रॉपर्टी और भी डिफाइन करने है, मान लो कि बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिवीजन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और क्या करोगे उस पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है तो लिखोगे बॉर्डर हाइफन रेडियस, बॉर्डर हाइफन रेडियस, और जितने पिक्सल का, यानी कि जितने प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करने हैं उतने टाइम आपको सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। क्यों, थोड़ा सा कोड बड़ा हो रहा है कि नहीं, हम चाहते हैं कि एक बार सेलेक्ट करें और मल्टीपल सीएसएस अप्लाई कर, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि एक टाइम पे एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, एक टाइम पे एक ही प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो, दूसरी सीएसएस की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो फिर आप सेलेक्ट कर रहे हो, तीसरी सीएसएस की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है फिर से सेलेक्ट कर रहे हो, चौथी सीएसएस की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है फिर से सेलेक्ट कर रहे हो। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि एक बार सेलेक्ट करें और सारी प्रॉपर्टी एक बार में डिफाइन करें, तो उसका सिंटैक्स अलग है। तो अभी देखा आपने कि ये सिंगल सीएसएस, एक टाइम पे आप सिंगल सीएसएस अप्लाई कर पा रहे हो, मैंने क्लिक किया और ऐसा अप्लाई हुआ। लेकिन अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि अब दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे हमें दूसरे वाले डिवीजन पे मल्टीपल सीएसएस एट अ टाइम यूज करना है। अगर मैं बात करूं नोट्स पे आता हूं, एक मिनट, इसको ओपन कर लिया, इसको यहां से क्लोज करके लास्ट में ओपन कर लेता हूं, ताकि ठीक, सीएसएस देखा। अब मल्टीपल सीएसएस देने का सिंटेक्स क्या है, आपको मैंने डेफिनेशन में लिखवाया कि आप सीएसएस फंक्शन का यूज करते हो एक टाइम पे सिंगल या मल्टीपल सीएसएस, किसी सेलेक्टेड एचटीएमएल एलिमेंट पे सिंगल या मल्टीपल सीएसएस एट टाइम लगाना है, यूज करना है, तो आप सीएसएस फंक्शन का यूज करते हो। तो वो था सिंगल सीएसएस देने का सिंटेक्स, अब मल्टीपल सीएसएस देने का सिंटेक्स क्या है, मल्टीपल सीएसएस देने का सिंटेक्स क्या है, मल्टीपल के लिए आप क्या यूज करोगे, डॉलर ऑफ सेलेक्टर डॉट सीएसएस फंक्शन ही है। और मल्टीपल सीएसएस देने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आप यहाँ पे, जैसे आपने डिक्शनरी पढ़ा था वैसे उसी टाइप से यहाँ पे इसका भी सिंटेक्स होता है, यानी कि लिखोगे क्या, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल सीएसएस देने के लिए आप डॉलर ऑफ सेलेक्टर डॉट सीएसएस और इस ब्रैकेट के अंदर, इस सीएसएस फंक्शन के अंदर एक कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे, और यहाँ पे लिखोगे प्रॉपर्टी नेम, जैसे मैंने लिखा प्रॉपर्टी नेम क्या है भाई, प्रॉपर्टी नेम जैसे बैकग्राउंड, यानी कि प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू और सेमी कॉलन, ठीक है,
प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, सेमी कॉलन नहीं कॉमा, वैल्यू कॉमा, फिर प्रॉपर्टी नेम टू, ऐसे ही प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू और कॉमा, कॉमा से सेपरेट करोगे सेमी कॉलन का नहीं, यानी कि मल्टीपल प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, प्रॉपर्टी नेम वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम वैल्यू, एक ही लाइन के अंदर, बस क्या करना होगा इसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि आप क्या करोगे कर्ली ब्रेसेस का यूज करोगे और जितने भी प्रॉपर्टी वैल्यू है आपको डिफाइन करने के लिए आप डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, वैल्यू स्ट्रिंग होगा तो डबल कोट्स के अंदर करना होगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यहीं पे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखो कोई डिवीजन है, मान लो कोई डिवीजन है, तो डिवीजन को सेलेक्ट करने के लिए ड्यू टैग, मान लो कोई किसी भी टैग पे अप्लाई करना है तो आप क्या यूज करोगे सीएसएस, सीएसएस, और इसके अंदर मल्टीपल सीएसएस देना है तो क्या यूज करोगे कर्ली ब्रेसेस का। हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड कॉलन, और वैल्यू अगर स्ट्रिंग है, वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो क्या करोगे आप डबल कोट्स के अंदर वैल्यू पास करोगे। हमने कर लिया स्ट्रिंग यानी कि बैकग्राउंड रेड कर दिया तो रेड, अब सेपरेट किससे करोगे सेमी कॉलन से कि कॉमा से, सेपरेट किससे करोगे सेमी कॉलन से कि कॉमा से, तो कॉमा से, सेमी सेमी कॉलन से नहीं, ठीक है ना, कॉमा से, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी डिफाइन करना है तो कलर कॉलन, और हमें एक्वा करना है तो एक्वा कर लिया। तीसरी वैल्यू हमें फॉन्ट साइज देना है, अब देखना ध्यान से फॉन्ट साइज देना है तो फॉन्ट साइज दे दिया 50 पिक्सल। तो देखो यहाँ पे क्या था कि आपका एज जो भी प्रॉपर्टी थी एज ए स्ट्रिंग लिखा जाता था इसलिए आप हाइफन डिफाइन कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे कैमल केस में लिखा जाएगा, जो भी चीजें आप यूज करोगे कैमल केस में लिखा जाएगा, यानी कि कैमल केस का मतलब फॉन्ट और मल्टीपल सीएसएस जब दोगे तो आपको हाइफन इसमें यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो डबल कोट के अंदर डिफाइन नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हो, जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करते थे डायरेक्टली कोई डबल कोट नहीं, तो वैसे ही हमने किया फॉन्ट हाइफन, हाइफन को हटाओगे और साइज का एस कैपिटल कर दोगे, ठीक है। वैसे ही आप जितने भी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो बार बार आपको सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपने यहाँ पे एक बार सेलेक्ट किया और मल्टीपल सीएसएस की प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन कर पा रहे हो, कॉमा किया कॉमा और भी डिफाइन करने हैं जो भी जैसे देना है, बॉर्डर हाइफन रेडियस क्या सही है क्या, बॉर्डर रेडियस दे दिया 50 पिक्सल, क्या करना पड़ेगा हाइफन है, हाइफन है तो हाइफन को हटाओगे और कैमल केस में कर दोगे, ठीक है। तो क्या करना है एक बार में आप मल्टीपल सीएसएस या सिंगल सीएसएस अप्लाई करने के लिए आप सीएसएस फंक्शन का यूज कर सकते हो जेक्वेरी में, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे हमें दूसरे वाले डिवीजन पे सीएसएस अप्लाई करना है, तो चलो एक बार हमें सेलेक्ट करना है, बार बार नहीं, यहाँ पे देखो आपने बार बार सेलेक्ट किया था, मल्टीपल टाइम सेलेक्ट किया था और एक एक प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीपल सीएसएस भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ डॉलर आप किस पे अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है डीबी टू पे, क्या सही है क्या, क्या करना पड़ेगा इसकी आईडी DB2 है, इस पे CSS अप्लाई करना है, तो आईडी है इसलिए हैश सिंबल यूज करोगे, आईडी है इसलिए हैश सिंबल यूज करोगे, क्या करना है भाई CSS अप्लाई करना है, और CSS भी मल्टीपल CSS अप्लाई करना है, तो मल्टीपल CSS अप्लाई करने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे। बैकग्राउंड क्या करना है एक्वा करना है, एक्वा कर सकते हैं, कॉमा से सेपरेट करोगे सेमी कॉलन से नहीं, कलर को चेंज करना है, कलर हमने कर लिया कॉलन, कलर जो भी कलर देना है हमने रेड कर दिया तो रेड कलर आया, कॉमा, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो फॉन्ट हाइफन साइज किया, देखो अप्लाई होगा क्या, फॉन्ट साइज हमने कर दिया 70 पिक्सल, क्या अप्लाई होगा क्या बताओ, अप्लाई होगा क्या,
हाँ क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे हाइफन आ गया और बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो सीएसएस अप्लाई नहीं हुआ। बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सीएसएस अप्लाई नहीं हुआ। इस पे तो अप्लाई हुआ, मैं एक बार और रिफ्रेश किया, इस पे अप्लाई हो रहा है, इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे कोड में एक ही कोड के एक ही के अंदर कर रहे हो। इस पे भी अप्लाई नहीं हो रहा है और इस पे भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंटेक्स ही आपने गलत कर दिया। तो यहाँ पे कर लेंगे एस कैपिटल फॉन्ट। अब देखो इस पे क्लिक किया अप्लाई हुआ, इस पे क्लिक किया ये अप्लाई हुआ। ठीक है, तो ऐसे आप सिंगल मल्टीपल सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। फॉन्ट साइज हमने ज्यादा दे दिया है, चलो इसका भी फॉन्ट साइज कम कर लिया। ठीक है, इसका भी फॉन्ट साइज कम कर लिया। अब एक ही बार आपने सेलेक्ट किया और मल्टीपल सीएसएस आप अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर हाइफन नहीं होगा, बॉर्डर रेडियस का आर कैपिटल और बॉर्डर रेडियस कर लिया 50 पिक्सल, है ना। बॉक्स शैडो देना है तो बॉक्स शैडो के लिए बॉक्स हाइफन शैडो, तो हाइफन हट जाएगा और शैडो का एस कैपिटल हो जाएगा। बॉक्स शैडो कॉलन, और जितना बॉक्स शैडो देना है, मैंने चारों तरफ से शैडो देना है, तो आपको बताया था 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, और 10 पिक्सल ब्लर अमाउंट, 2 पिक्सल स्प्रेड अमाउंट, कलर को मैंने कर दिया ब्लैक, ब्लैक कलर का शैडो देना है। तो देखो रन करा लेते हैं, और दूसरे वाले पे क्लिक किया, मल्टीपल सीएसएस अप्लाई हुआ, सिंगल वाले पे क्लिक किया तो इस पे अप्लाई हुआ। अगर इनसेट शैडो देना चाहते हो, टेक्स्ट को सेंटर में करना चाहते हो, अलाइनमेंट सेंटर में करना चाहते हो, तो टेक्स्ट और अलाइन का ए कैपिटल, टेक्स्ट अलाइन का ए कैपिटल माइनस हटा दोगे, टेक्स्ट अलाइन और क्या कर लोगे, सेंटर सेंटर। ठीक है, इसको और कम करना है कर सकते हो। तो ऐसे आप सिंगल मल्टीपल सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। इनसेट की तरफ शैडो देना है तो इनसेट लिख दोगे। तो ये सीएसएस फंक्शन था, समझ आया आपको, सीएसएस फंक्शन। बताओ अभी केवल इन फंक्शन का यूज देख रहे हो आप, इसका एक बड़े टास्क में हम लोग इसका यूज करेंगे। बताओ क्लियर हो पा रहा है, समझ आ रहा है सबको, बताओ रिप्लाई करो। अलीशा, यस सर क्लियर है। नवीन बहुत बढ़िया। सचिन, अंकित यादव, हाँ सत्यम सैनी, लक्ष्मी, अरुण, आत्मदेव, दीक्षा कनक, आर्यन, ज्ञान जी, अंजू, निशा, संदीप दुबे, सागर राय, चलो बढ़िया, वेरी गुड, हर्षित, लक्ष्मी, सूरज। ठीक है, तो इस ये कोड मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक, तो ये था सीएसएस फंक्शन, ये था सीएसएस फंक्शन। जावास्क्रिप्ट से थोड़ा थोड़ा आपको इजी लग रहा है क्या, फर्स्ट टाइम कोड देख रहे हो, जावास्क्रिप्ट से इजी लग रहा है क्या, बताओ रिप्लाई करो। यस सर, क्यों, ठीक है, हाँ चलो बढ़िया। तो अब आपने देखा कौन सा फंक्शन, ये देख लिया, वेल टेक्स्ट एस टी एम एल सी एस एस, सी एस 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 टी एम एल ए टी टी आर, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये इसको भी कंप्लीट कर लिया है, एस टी एम एल कंप्लीट हो गया है, ए टी टी आर कंप्लीट, सी एस एस फंक्शन कंप्लीट, एड क्लास कंप्लीट, रिमूव क्लास कंप्लीट, टॉगल क्लास कंप्लीट, प्रॉप फंक्शन पे आते हैं। देखो प्रॉप फंक्शन पे किसी भी एस टी एम एल एलिमेंट का आप प्रॉपर्टी गेट करना चाहते हो या सेट करना चाहते हो, तो आप प्रॉप फंक्शन का यूज कर सकते हो। देखो प्रॉपर्टी और एटीटीआर लगभग लगभग सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलो मैंने प्रॉप फंक्शन इज यूज्ड टू सेट और गेट प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टेड एचटीएमएल एलिमेंट।
अगर मैं बात करूं सिंटैक्स की और बात करूं सेट करने का, तो क्या होगा? डॉलर ऑफ सेलेक्टर डॉट प्रॉप फंक्शन, और प्रॉप फंक्शन क्या होगा? प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी, और क्या गेट करना है, कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू गेट करनी है, तो क्या करोगे? प्रॉपर्टी नेम, अभी समझ में आएगा, देखो प्रॉपर्टी नेम। अगर एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो कोई बटन बनाया है, कोई मान लो इनपुट टाइप बटन बनाया जिसकी आईडी क्या है, BTN, उसको मैंने सेलेक्ट किया, उसको मैंने सेलेक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टी गेट करनी है, प्रॉपर्टी। अब डिसेबल्ड की मैं बात करूं, डिसेबल्ड एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी HTML एलिमेंट को डिसेबल्ड करने के लिए आप लिखते थे क्या, डिसेबल्ड इक्वल ट्रू या डिसेबल्ड, तो डिसेबल्ड, डिसेबल्ड प्रॉपर्टी, डिसेबल्ड प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी गेट करने के लिए अगर बटन डिसेबल्ड होगा, वेर ए किया तो होल्ड कर लिया, ये गेट करने, सेट करने का नहीं, सॉरी, ये गेट करने का, ये मैं गेट कर रहा हूं। प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी नेम यानी कि डॉलर ऑफ सेलेक्टर डॉट प्रॉप, और कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू गेट करनी है, आपने क्या बनाया, जैसे ATTR यूज करते थे वैसे प्रॉपर्टी भी है। तो जैसे बटन है, बटन को मैंने क्या किया है, डिसेबल किया है, डिसेबल किया है, तो डिसेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेट करना है, तो मैंने प्रॉप फंक्शन यूज किया और ए पे होल्ड कर लिया। अगर मैं एग्जाम्पल से इसको समझू तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, समझाओ। तो देखो मैंने एक बटन बनाया, HTML हेड सेक्शन बॉडी, सेव कर लेते हैं, डेमो 14.html, डेमो 14.html, एक बटन बनाया, इनपुट टाइप इक्वल बटन। अब बटन पे कुछ लिखना है तो वैल्यू हमने कर लिया सेव, कुछ भी बटन, और बटन को मैंने अभी, बटन क्या है, डिसेबल हमने कर दिया 14। बटन ऐसा अभी डिसेबल है क्या, बटन डिसेबल है क्या, बटन डिसेबल नहीं है, हम इसको डिसेबल्ड कर देंगे, बटन डिसेबल्ड कर दिया, या डिसेबल्ड इक्वल क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, बात एक ही है, डिसेबल्ड इक्वल ट्रू, यानी कि बटन डिसेबल्ड, अगर केवल डिसेबल्ड लिखोगे, बटन केवल डिसेबल्ड लिखोगे तो भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। अगर डिसेबल्ड लिख दिया यानी डिसेबल्ड हो गया, यानी कि डिसेबल्ड इक्वल ट्रू, तो आपने डिसेबल्ड लिखा, क्या डिसेबल्ड इक्वल ट्रू लिखा। देखो बटन रिफ्रेश कर रहा हूं, ध्यान से देखना, रिफ्रेश किया, बटन डिसेबल्ड हुआ है, कुछ कुछ चेंजेस आपको दिखे, देखो रन कराता हूं, हटाता हूं, बटन कुछ ऐसा आ रहा है, और मैं कंट्रोल जेड किया, बटन को डिसेबल्ड इक्वल ट्रू कर दिया, यानी डिसेबल्ड लिख दोगे तो भी ट्रू हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से देखना, मैं पेज को रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, बटन को डिसेबल्ड किया हूं, तो अभी बटन डिसेबल नहीं है, डिसेबल्ड इक्वल ट्रू जब करोगे तब बटन डिसेबल्ड होगा। मैंने किया, पेज को रिफ्रेश किया, बटन कुछ दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं, ये बटन अब डिसेबल हो गया, डिसेबल हो गया। तो इसी डिसेबल्ड की वैल्यू को 21st भी कंप्लीट है, 21st भी कंप्लीट है। चलो तो क्या करना है कि इसी प्रॉपर्टी को हमें गेट करना है कि बटन डिसेबल है कि डिसेबल नहीं है, तो उसके लिए प्रॉप फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर मैं बताऊं, चलो तो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी को लिंक कर लिया, लाइब्रेरी को यहाँ पे लिंक कर लिया, स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट की क्लोजिंग, डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट
डॉट रेडी फंक्शन, ठीक है फंक्शन। और देखो हमें बटन का डिसेबल प्रॉपर्टी गेट करना है, डिसेबल्ड प्रॉपर्टी गेट करना है। जैसे मैंने बनाया बटन, बटन का प्रॉपर्टी गेट करना है तो बटन बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो क्या है एक ही बटन है तो मैं टैग सेलेक्टर भी यूज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या क्या कर लिया, इनपुट डॉट क्या चेक करना है भाई, क्या गेट करना है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी गेट कर लिया। और प्रॉपर्टी में हमने क्या कर लिया, प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी गेट करनी है भाई, हमें डिसेबल्ड प्रॉपर्टी गेट करनी है, डिसेबल्ड प्रॉपर्टी। जैसे आप ATTR SRC की वैल्यू गेट करते थे, जैसे आप ID की वैल्यू गेट करते थे, ऐसे आप मल्टीपल एट्रीब्यूट की वैल्यू, जैसे टाइप की वैल्यू को गेट करते थे, चेंज करते थे, वैसे ही प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए या सेट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप प्रॉप फंक्शन का यूज कर सकते हो। मैंने एक वेरिएबल बनाया A नाम का, इस पे होल्ड करा लिया और A को अलर्ट करा लिया, क्या आएगा बताओ, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, देख के बताओ ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, आप बताइए बताइए गाइस, ट्रू आएगा, ट्रू अलर्ट में ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि देखो डिसेबल्ड की वैल्यू क्या है, डिसेबल्ड की वैल्यू क्या है, इस प्रॉपर्टी डिसेबल्ड की वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो इनपुट, इनपुट को सेलेक्ट किया, उसके प्रॉपर्टी को गेट किया, कौन सी प्रॉपर्टी को, डिसेबल्ड को, तो इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ये पे ट्रू आएगा, रन कराया देखो, और बाय डिफॉल्ट ये ट्रू आया कि नहीं। अगर डिसेबल्ड नहीं डिफाइन करोगे, अगर डिसेबल्ड आप इसको हटा दोगे, तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है, तो फॉल्स आएगा, आ रहा है ना, तो फॉल्स होती है, फॉल्स आ रहा है। तो इसी का यूज करके एक टास्क हम लोग करते हैं, इसी का यूज करके एक टास्क करते हैं, यानी किसी भी प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए और सेट करने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए सेट करने के लिए आप यूज करते हो प्रॉप फंक्शन का। ये कोड मैंने आपको भेजा, ठीक है, नए पेज पे आते, नए पेज पे आते, HTML head section body closing save कर लिया, demo15.html, ठीक। हमने एक चेक बॉक्स बनाया, input type equal चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स बनाया, और इसके सामने मैंने लिखा आई एम एग्रीड टू टर्म्स एंड कंडीशन, एक मिनट इसको हटाया मैंने, कंडीशन, ठीक है, आई एम एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, और एक बटन बनाया इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल बटन, ठीक है, और वैल्यू सेव कर लिया, ठीक है, वैल्यू सेव कर लिया। तो देखो हमें क्या करना है, हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, आपने वेबसाइट में ऐसा कुछ देखा होगा, मैंने इसको हटाया और डेमो 15 पे आते हैं। जैसे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, या कोई ऑर्डर, आप कोई फाइल ऑर्डर कर रहे हो, कुछ चीजें ऑर्डर कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो आप, तो ऑर्डर कर रहे हो, एक मिनट, तो देखो कोई प्रोडक्ट जैसे आप ऑर्डर कर रहे हो, तो
आपको क्या करना है, बाई डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट मैंने जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया ऑर्डर, यहाँ पे कर दिया ऑर्डर नाउ, कुछ भी कर दिया, सेव कर दिया या ऑर्डर नाउ कर दिया, ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ, इस बटन को मैंने कर दिया क्या डिसेबल्ड, बाई डिफॉल्ट क्या कर दिया डिसेबल्ड इक्वल ट्रू कर दिया, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड इक्वल ट्रू कर दिया, यानी कि बटन तो अभी डिसेबल है, आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो, है ना, बटन तो अभी डिसेबल्ड है, ऑर्डर नहीं कर सकते, या तो रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म बनाया हो, तो कोई भी यूजर, हम चाहते हैं कि कोई हमारा, जैसे हमारे कंपनी में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ट्रेनिंग के लिए, तो हमारा कोई एक टर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर उसको आपने फॉलो किया तभी रजिस्ट्रेशन कर पाओ, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन ना कर पाओ। मान लो कि टर्म्स एंड कंडीशन का आपने एक पेज बनाया, बना दिया है यहाँ पे यूजर के लिए, आपने एक एंकर टैग बनाया AHREF, और इसको टर्म्स एंड कंडीशन का आप पेज रीड कर लो, एंकर टैग की क्लोजिंग कर लिया। मान लो आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाया है, हमारा क्या टर्म्स एंड, हमारे कंपनी का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आप उसको रीड करना चाहते हो, यूजर को रीड कराना चाहते हो, तो इस पर क्लिक करेगा एक पेज, उसके जो भी आपके कंपनी का, जो भी आप, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ होता है, तो उसको रीड कराना चाहते हो कि यूजर रीड करे उसको, और उसको क्या करे कि पहले इसको चेक करे तभी ऑर्डर कर पाए या रजिस्ट्रेशन कर पाए, तभी रजिस्ट्रेशन हो, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन ना हो, तो टर्म्स एंड कंडीशन का मान लो पेज बना के लिंक कर सकते हो। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि अब अभी तो आपने क्या किया, चेक किया और बटन तो अभी भी डिसेबल है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर चेक करें, चेक करें तो डिसेबल्ड की वैल्यू को अभी क्या है ट्रू है, फॉल्स कर देना है, यानी कि इसके चेंज करने पे, इसके चेक करने पे इसकी वैल्यू को हमें इस प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करनी है, ट्रू फॉल्स करना है, यानी कि जब चेक हो तो बटन क्या हो, बटन डिसेबल्ड से हट जाए, अगर अनचेक करें तो फिर से बटन डिसेबल्ड हो जाए, ऐसा हमें करना है, ऐसा रिक्वायरमेंट है, ऐसा रिक्वायरमेंट है। तो देखो इनपुट टाइप ये क्या है, चेक बॉक्स है, मैंने इसकी एक आईडी दे दी, इसकी आईडी एक दे दी, इसकी आईडी दे दी मैंने CHK किया, CHK किया, हेलो, हाँ गुड इवनिंग, हाँ रोहन बताओ, ठीक है अभी क्लास ले रहे हैं, बताओ क्या हुआ, हाँ बताओ क्या करना है, क्या बात करनी, हाँ यार अप्रेंटिसशिप में सीट नहीं है, एक महीने पहले से ही रजिस्ट्रेशन क्लोज चुके, क्लोज हो गए हैं, न्यू बैच अभी स्टार्ट नहीं होगा, पूरे साल में एक ही बैच बनाते हैं, तो नहीं यार नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जगह ही नहीं है ना उसमें बैठने का, ज्यादा बच्चों को अप्रेंटिसशिप कराते ही नहीं है, 100% जॉब ओरिएंटेड रहता है, ज्यादा लोग को नहीं कराते हैं, एडमिशन क्लोज है उसके, ठीक है अब नेक्स्ट ईयर होगा 2022 में होगा, अभी अब एक ही का नहीं हो पाएगा भाई, कह रहा हूँ पहले थोड़ा सा आप ये होते तो हो जाता, लेकिन नहीं हो पाएगा, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास, कर लेता मैं, लेकिन जगह नहीं है, और ज्यादा बच्चों को कराते हैं, जितनी सीट है मैंने उतना एडमिशन ले रखा है, ठीक है, ठीक है, नहीं कोई सीट नहीं है यार अभी, ठीक है अभी क्लास ले रहे हैं, बात करते हैं, वैसे होगा नहीं, ठीक, ओके, हाँ तो क्या करना है कि इस पे हम जब चेक करें तो बटन को डिसेबल इक्वल फॉल्स करना है, अदरवाइज ट्रू करना है, तो इसका हमने आईडी क्या दिया CHK, और इसकी आईडी कुछ दे देते हैं, इस बटन की आईडी दे दिया BTN, ठीक है ऐसा करना है। तो पहले हमें क्या करना है, चलो jQuery का कोड करना है तो इसकी लाइब्रेरी लिंक होनी चाहिए, आते हैं डॉलर ऑफ
डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, फंक्शन कर्ली ब्रेसेस, लोड इवेंट बनाया, लोड इवेंट बनाया है। अब देखो चेक बॉक्स में क्या इवेंट होता है, चेंज इवेंट एक होता है। हम चाहते हैं कि चेंज करने पे, यानी कि इसको चेक करें और अनचेक करें तो हमें कोड करना है, हमें क्लिक करने पे नहीं करना है। हम एक बार चेक करें तो कोड एग्जीक्यूट करना है, अनचेक करें तो कोड एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे एक इवेंट होता है चेंज इवेंट। जैसे आपने क्लिक इवेंट बनाया था, जैसे आपने क्लिक इवेंट बनाया था, आपने डीबीएल क्लिक इवेंट बनाया था, वैसे यहाँ पे एक क्या है, चेक बॉक्स में चेंज इवेंट है। चेंज इवेंट है यानी कि मैंने जब भी उसकी वैल्यू को मैं चेंज करूंगा, किसके वैल्यू को, चेक बॉक्स की वैल्यू को, चेक बॉक्स की वैल्यू को, इसकी इसकी आईडी क्या है, सी एच के आईडी है, इसलिए है सिंबल सी एच के। अब यहाँ पे जैसे क्लिक इवेंट बनाया था, जैसे आपने डीबीएल क्लिक इवेंट बनाया था, वैसे कौन सा इवेंट है, चेंज इवेंट, चेक बॉक्स में चेंज इवेंट बनाया। इसके चेंज होने पे, इस चेक बॉक्स के चेंज होने पे हमें कोड करना है, क्लिक करने पे नहीं, क्या करना है, चेंज होने पे आपको कोड करना है। चेंज होने का मतलब कि एक बार चेक कर रहे हो तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, एक बार अनचेक कर रहे हो तो वैल्यू चेंज हो रही है। यानी कि चेक अनचेक पे हमें दो काम करना है। चेक करने पे क्या करना है, जब हम चेक करें तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, डिसेबल्ड इक्वल क्या होना चाहिए, फॉल्स हो जाना चाहिए, अदरवाइज ट्रू हो जाना चाहिए। तो चेंज होने पे मुझे क्या करना है भाई, चेंज होने पे हमें अभी अलर्ट दिखाना है। तो देखो चेंज होने पे अलर्ट दिखाना है, तो मैंने अलर्ट किया, क्लिक करने पे नहीं, चेंज होने पे मैंने अलर्ट ओके दे दिया। तो दो बार आएगा, जब आप एक बार चेक करोगे तब अलर्ट आएगा, क्यों आया ओके, और फिर से एक बार अनचेक करोगे तो भी अलर्ट आएगा, फिर चेक करोगे अलर्ट आएगा, अनचेक करोगे अलर्ट आएगा। तो हमें चेक करने पे, चेंज इसकी चेक बॉक्स की वैल्यू को चेंज करने पे हमें अलर्ट मैसेज थोड़ी दिखाना है, हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी को चेंज करना है, हमें प्रॉपर्टी को चेंज करना है, इसके प्रॉपर्टी को चेंज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा क्या, इसकी वैल्यू क्या है, डिसेबल्ड की वैल्यू क्या है। प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए क्या करोगे, प्रॉप फंक्शन का यूज करोगे। तो किसकी प्रॉपर्टी को गेट करना है, बीटीएन की प्रॉपर्टी को गेट करना है। तो क्या कर लोगे, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए इक्वल, प्रॉपर्टी गेट करने के लिए कौन सा फंक्शन है, डॉलर ऑफ हैज क्या है आईडी बटन की बीटीएन डॉट, कौन सा फंक्शन, प्रॉपर्टी गेट करने के लिए प्रॉप फंक्शन, प्रॉप फंक्शन किया, प्रॉप फंक्शन, और कौन सी प्रॉपर्टी, डिसेबल्ड कर दिया। तो ए पे क्या आएगा भाई, हमेशा क्लिक करोगे, अगर मैं बात करूं ए की तो क्या आएगा, जब भी चेंज करोगे क्या आएगा, चेक करके बताओ ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। जब भी चेक बॉक्स की वैल्यू को चेंज करोगे, यानी कि चेक करोगे अनचेक करोगे, तो बीटीएन आईडी किसकी है, बटन की, उसकी डिसेबल्ड की वैल्यू क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू आएगा कि नहीं आएगा। जब भी आप उसकी वैल्यू को चेंज करो हमेशा ट्रू ही आएगा। आया ट्रू, फिर से अनचेक किया तो भी ट्रू आएगा। तो हमें क्या करना है कि ट्रू है तो फॉल्स करना है, फॉल्स है तो ट्रू करना है, यही तो करना है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया, इफ ए इक्वल इक्वल क्या हो, इफ ए इक्वल इक्वल ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हो, ए इक्वल इक्वल क्या हो, ट्रू हो, क्यों, तो क्या कर देना है, फॉल्स करना है, किसकी वैल्यू को फॉल्स करना है। हेलो, हाँ आशीष बताओ, कल कहे की छुट्टी होगी, नहीं छुट्टी नहीं, आ जाए थे तुम क्लास करने, नहीं छुट्टी नहीं है, क्लासेस बंद नहीं है, 15 को भी क्लासेस बंद नहीं है, मॉर्निंग में क्लासेस चलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगर ट्रू है तो फॉल्स करना है, किसको, बटन को, हमें क्या करना है, अगर डिसेबल्ड इक्वल ट्रू है
फॉल्स कर दोगे तो बटन क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड से हट जाएगा। तो क्या करना है, अगर सिंगल लाइन का कोड है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कोड कर सकते हो। तो क्या करना है भाई, हमें बटन को डिसेबल इक्वल अगर ट्रू है तो फॉल्स करना है। तो क्या कर लेंगे, हैश btn, बटन को ही तो डिसेबल और डिसेबल्ड इक्वल ट्रू और फॉल्स करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, हमें प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो मैंने कर लिया डिसेबल्ड, और क्या करना है, ट्रू है तो फॉल्स करना है, अदरवाइज else, फॉल्स है तो ट्रू करना है। बस इतना सा कोड करना था, has btn .prop function, और disabled को क्या करना है, disabled को true करना है, otherwise अगर true है तो false, false है तो true करना है। इतना सा कोड करना था, कब, इसके चेंज पे, यानी कि देखो जब भी चेंज के अंदर जो भी कोड किए हो वही अप्लाई होगा। इस curly braces के अंदर जो भी कोड करोगे उस चेक बॉक्स के चेंज होने पे अप्लाई होगा वो है। तो रन कराते हैं और देखो, तो रन किया, बटन डिसेबल से हट गया, फिर से अनचेक किया, डिसेबल हो गया, डिसेबल से हटा। यानी कि जब भी आप चेक किए रहोगे तभी आप ऑर्डर कर सकते हो या बटन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो ये वेबसाइट में आप यूज कर सकते हो, इसके क्लिक करने पे, इसके चेंज होने पे इसके डिसेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू को आप चेंज कर पा रहे हो। क्लियर है, समझ पा रहे हो? हाँ ठीक है, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर नहीं होगा, ये बुलियन वैल्यू है ना, बुलियन वैल्यू फिर नहीं लेगा ये। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप बुलियन वैल्यू है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर नहीं करोगे। चलो ये कोड को मैं सेंड कर देता हूँ आपको, मिला कोड। चलो नेक्स्ट पेज पे आते, अब कौन सा फंक्शन देखते हैं, अब हाइट देखते हैं, शो देखते हैं और टोगल देखते हैं। हाइट, शो, टोगल, तीन फंक्शन पहले देखते हैं फिर तीन फंक्शन देखेंगे। हाइट, शो, टोगल, हमने कुछ फंक्शंस बनाए, कुछ क्लासेस बनाए, कुछ ऐसे कोई इमेज लगा देते हैं, चलो HTML, head section, head key closing, body, body key closing, save कर ले। demo 16.html, ठीक, library को link कर लेते हैं, लाइब्रेरी को लिंक कर लेते हैं, कितना टाइम हुआ, ठीक है अभी टाइम बहुत है, तो लाइब्रेरी को लिंक कर लेते हैं यहाँ से, नोट्स पे आते हैं, हाइट फंक्शन। देखो किसी सेलेक्टेड HTML एलिमेंट को हाइड करने के लिए हाइट फंक्शन का यूज करते हैं, है ना, हाइट फंक्शन, इज यूज्ड टू हाइड selected HTML element on the basis of speed, speed के बेस पे आपको किसी एलिमेंट को हाइड करना है, शो करना है, तो आप हाइड फंक्शन का यूज करते हो। अगर मैं बात करूं static, इस तरह सिंटेक्स
और हाइड करने का सिंटेक्स, कोई डिवीजन आपने बनाया, डिवीजन की आईडी जैसे क्या कर लोगे, डॉलर ऑफ सेलेक्टर, सिंटेक्स क्या है, डॉलर ऑफ सेलेक्टर डॉट हाइड फंक्शन, हाइड, और इस स्पीड के बेस पे आपको हाइड करने के लिए हाइड फंक्शन का यूज करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर स्पीड पास करते हैं, यानी कि कितने सेकंड में कितने टाइम में उसको आप हाइड करना चाहते हो, जैसे आप वहां पे ट्रांजिशन यूज करते थे वैसे यहाँ पे इसके अंदर स्पीड पास करोगे सेकंड में, कि कितने सेकंड में किसी सेलेक्टर एचटीएमएल एलिमेंट को हाइड करना है, तो वो हाइड फंक्शन का यूज किया जाता है। देखो अगर स्पीड, अब स्पीड क्या क्या पास कर सकते हो, टाइम, टाइम यहाँ पे, या स्पीड, आप स्पीड, स्पीड जो होगा ये ऑप्शनल पैरामीटर है, ऑप्शनल पैरामीटर है, ये जरूरी नहीं है आपको स्पीड डिफाइन करना। स्पीड क्या क्या हो सकता है, या तो मिली सेकेंड, मिली सेकेंड में वैल्यू हो सकता है, लाइक 2 सेकेंड में हाइट करना चाहते हो तो 2000 मिली सेकेंड, है ना, 5000 मिली सेकेंड, या तो आप पास करते कर सकते हो एज ए स्ट्रिंग स्लो, या तो फास्ट पास कर सकते हो, क्या पास कर सकते हो, फास्ट, या तो मीडियम पास कर सकते हो, इतने सारे वैल्यू आप पास कर सकते हो, स्लो फास्ट मीडियम या तो टाइम मिली सेकेंड में आप इसके अंदर पास कर सकते हो, ठीक है, मिली सेकेंड या स्लो या फास्ट या मीडियम, इसके जगह पे इतने 4 वैल्यू आप पास कर सकते हो, या तो स्लो या तो फास्ट या तो मीडियम या तो मिली सेकेंड। तो देखो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कोई एक डिवीजन बनाया है, डिवीजन बनाया है ड्यूटेक, और इसको मुझे हाइड करना है, तो हाइड, और कितने सेकेंड में हाइड करना चाहते हैं, हम 2 सेकेंड में हाइड करना चाहते हैं, तो 2000 मिली सेकेंड, इसके जगह पे आप स्लो भी पास कर सकते हो, फास्ट भी पास कर सकते हो, या मीडियम भी पास कर सकते हो, या तो ये भी ऑप्शनल पैरामीटर है, नहीं भी पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट टाइम से वो हाइड होगा। चलो सेव कर लिया, अब इसके एक एग्जांपल पे आते हैं। तो जैसे हाइड करने के लिए हाइड फंक्शन, वैसे शो करने के लिए शो फंक्शन है, किसी हिडन एलिमेंट को शो करने के, किसी सेलेक्टेड एचटीएमएल एलिमेंट को शो करने के लिए शो फंक्शन का यूज करते हैं, और टोगल क्या करता है, बिल्कुल वही सिंटेक्स है, टोगल क्या करता है आप डिफाइन कर लेना, टोगल दोनों हाइड और शो के बीच टोगल प्रोवाइड करता है, यानी कि हाइड होगा तो शो हो जाएगा, शो होगा तो हाइड हो जाएगा, जैसे ऐड क्लास, रिमूव क्लास और टोगल क्लास था, टोगल क्लास क्या करता था, अगर क्लास एडेड था तो रिमूव करता था, रिमूव था तो ऐड करता था, वैसे ही टोगल यहाँ पे टोगल फंक्शन है। चलो कोई डिवीजन बना लेते हैं, डिवीजन बना लेते हैं, डिवीजन ही बना लिया, या तो इमेज लगा लेना, मैंने, चलो इमेज देख लेते हैं, कोई इमेज है क्या, कोई इमेज है क्या यहाँ पे, कुछ इमेज, जैसे 2 इमेज रखा है, एक और इमेज कोई कॉपी कर लिया, ठीक है, मल्टीपल इमेज आप रख सकते हो, मैंने कुछ इमेज लगाया, चलो 2 ही इमेज लगाए, तो नाम क्या है इमेज का, इमेज का नाम है abc.jpg.js.png, abc.jpg.js.png, तो img src इक्वल इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज रखा है abc.jpg, और इसकी आईडी दे दिया im1, im1 और im2, im1 im2 और js.png, 2 इमेज हमने लगाया, js.png, ठीक है, 2 पिक्चर लगाए, ठीक है, और मैंने, इसकी हाइट बहुत अधिक है, हाइट कम कर लेते हैं, हाइट चलो 400 पिक्सल कर लिया, और इसकी भी हाइट 400 कर लिया, ठीक है, 2 इमेज आए, 2 इमेज आए, और 2 बटन हमें बनाना, 2 बटन बनाना है या 3 बटन बनाना है, सेंटर टैग का यूज कर लेते हैं, सेंटर टैग, और सेंटर टैग की क्लोजिंग कर लिया, हेडिंग देना है H1, यूज ऑफ हाइड शो
टॉगल फंक्शन, और एक एच आर हॉरिजेंटल लाइन देना है तो एच आर टैग, और नीचे बना लेते हैं इसके बटन, कुछ बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल बटन, एक पे हमें यूज करना है और हाइड फंक्शन, और इसकी आईडी दे दिया BTN1, ठीक है। एक बटन कर लिया, उस पे लिख यूज करना है शो फंक्शन, तो शो लिख दिया, इस पे क्लिक करने पे हिडन एलिमेंट को शो करना है, इसकी आईडी दे दिया BTN2, और एक पे यूज करना है टॉगल, टॉगल फंक्शन, और इसकी आईडी दे दिया BTN3। तीन बटन बनाए हैं और लाइन को ब्रेक करना है, इसके बाद लाइन को ब्रेक करना है, तो BR टैग यूज कर लिया, एक बार और BR टैग यूज कर लिया ऐसा। तो देखो तीन बटन है, हाइड तो और टॉगल। हम चाहते हैं कि हाइड वाले बटन पे क्लिक करने पे इन दोनों इमेज को हाइड करना है, हम हाइड वाले बटन पे क्लिक करने पे दोनों वाले इमेज को हाइड करना है, शो वाले बटन पे क्लिक करने पे हिडन एलिमेंट को शो करना है, और टॉगल पे क्लिक करने पे हाइड है तो शो करना है, शो है तो हाइड करना है, ऐसा करना है। तो चलो पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे हाइड करना है, पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे किसको हाइड करना है, जिसकी आईडी IM1 है और जिसकी आईडी IM2 है, इन दोनों को हाइड और शो करना है। तो देखो पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे हाइड शो करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो बटन का क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा, और क्लिक इवेंट बनाने के लिए उससे पहले आपको लोड इवेंट बनाना पड़ेगा। तो बटन का लोड इवेंट, पहले इस पेज का लोड इवेंट बनाए, तो $document.ready function और पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस, पेज का लोड इवेंट बनाया। लोड इवेंट बनाने के बाद बटन, पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे हाइड करना है, तो पहले वाले बटन की आईडी क्या है भाई BTN1। क्या करना है, क्लिक इवेंट बनाना है, तो क्लिक कर लिया और फंक्शन बनाया, पैरेंथेसिस एनोनिमस फंक्शन बनाया, और पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बना दिया, ठीक है। चलो पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे भी हमें कोई कोड करना है, वैसे दूसरे वाले बटन पे भी क्लिक करने पे कोई कोड करना है, और तीसरे वाले, अब आपको कंफ्यूजन है तो एक ही बार तीनों का क्लिक इवेंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरे वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाया, और ये तीसरे वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाया। देखो तीनों की आईडी अलग अलग होनी चाहिए, यहाँ पे आईडी क्या है चेक कर लो, हमें ईमेल की आईडी, बहुत लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो आईडी चेंज नहीं करते, एक ही आईडी होगा, अप्लाई नहीं होगा। तो IM1, IM2 और इसकी आईडी चेक कर लो, BTN1, BTN2 और BTN3, बटन की आईडी BTN1, BTN2, BTN3, और इमेज की आईडी है, इस इमेज की आईडी है IM1, IM2। पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे अगर जो काम करना चाहते हो, पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे जो भी कोड करना चाहते हो, इस वाले कर्ली ब्रेसेस में के अंदर दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे जो भी कोड करना चाहते हो, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और तीसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे जो भी कोड करना चाहते हो, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड करना पड़ेगा। तो पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे आपको क्या करना है, इसके अंदर आते हैं एंटर करके, पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे आपको क्या करना है कि इमेज को हाइड करना है ना, हाइड करना है कि नहीं। तो पहले तो इमेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से इमेज को हाइड करना है, जिसकी आईडी IM1 है उसको हाइड, पहले एक को हाइड करके देखते हैं, हाइड करना है तो कौन सा फंक्शन है, हाइड फंक्शन, और कितने सेकेंड में आप हाइड करना चाहते हो, मैंने दे दिया 4000 मिली सेकेंड, यानी कि पहले वाले बटन पे क्लिक करोगे आप, जिसकी आईडी BTN1 है उस पे क्लिक करने पे इमेज, जिसकी आईडी IM1 है वो हाइड होगा, और कितने सेकेंड का टाइम लेगा हाइड होने में, 4 सेकेंड का। देखो क्लिक किया, हाइड हो रहा है, हाइड हुआ, क्यों हाइड हुआ, तो एक को हाइड किया है,
वैसे आप दूसरे को भी हाइड कर सकते हो, यानी कि मैंने दूसरे को हाइड करना है तो दूसरे को कर लिया। दूसरे की आईडी क्या है? दूसरे वाले की आईडी है IM2, और इसको भी 4 सेकेंड में हाइड करना चाहते हो कर सकते हो, जितना टाइम जितने टाइम में आप हाइड करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये ऐसे हाइड हुआ, हाइड हुआ। टाइम आप अलग अलग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मैंने कर दिया 5 सेकेंड। अब बताया कि टाइम मिली सेकेंड में दे सकते हो, देखो हाइड किया ठीक। या तो आप फास्ट स्लो मीडियम भी पास कर सकते हो, यहां पे किया फास्ट और यहां पे इसको कर लिया क्या स्लो, इसको कर लिया स्लो। ठीक है, तो फास्टली पहले ये और ये, फास्ट स्लो मीडियम भी ऐसे पास कर सकते हो। तो मैंने इसको किया मीडियम और इसको स्लो किया, या सबको सेम टाइम दे सकते हो, मीडियम किया तो हाइड फंक्शन, हाइड फंक्शन। अब वैसे ही क्या करोगे, दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे क्या करना है, शो करना है, शो करना है, तो शो फंक्शन है। क्यों सर, प्लीज आज के लिए रहने दीजिए, इतना प्लीज पढ़ लो थोड़ा। ठीक है, तो वैसे ही क्या करना है आपको, बटन पे दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे बस फंक्शन का नाम चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे हमें इमेज has IM2 has IM2 dot show करना है, तो शो फंक्शन। और ये डिफॉल्ट यानी कि इसके अंदर पैरामीटर ऑप्शनल है, आप पास करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइम आप स्लोली करना चाहते हो तो दे सकते हो। तो चलो मैंने इसमें भी कर दिया, फास्ट या मिली सेकेंड में वैल्यू दे सकते हो, इन तीनों के अंदर स्पीड पास कर सकते हो। इसको भी मैंने कर दिया फास्ट, एक को कर दिया दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे, IM1 को सेलेक्ट किया उसको फास्टली शो किया, और IM2 को सेलेक्ट किया और फास्टली शो किया। तो ये बताओ कि पहले आपको क्लिक करने पे कुछ शो होगा क्या? पहले से ही शो है तो शो क्या होगा, पहले से ही शो है तो शो नहीं होगा। तो पहले हाइड करोगे और उसके बाद शो करोगे। क्यों, पहले हाइड करोगे और शो करना है तो शो करोगे, ऐसा शो होगा। हाइड किया और शो, ठीक है। इस पे क्लिक करने पे क्या करना है, टॉगल करना है, यानी कि हाइड वाले पे क्लिक करने पे केवल और केवल हाइड हो रहा है। इस बटन से चाहो आप कि शो कराने, इसी बटन से शो भी कराना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है। अगर शो की बात करें तो ये केवल शो करने का काम कर रहा है, हाइड करने का काम नहीं कर रहा है। लेकिन टॉगल बटन क्या करेगा, दोनों के बीच टॉगल प्रोवाइड करेगा। अगर शो है तो हाइड होगा, हाइड है तो शो होगा। क्लियर है आपको, समझ पा रहे हो सभी लोग? बताओ सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हो? हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग। छुट्टी कब? नहीं छुट्टी नहीं रहेगी, दशहरे की छुट्टी नहीं रहेगी, मॉर्निंग में क्लास होगी। ठीक है चलो मैं देखता हूँ, वैसे छुट्टी नहीं होगी। ठीक सैटरडे संडे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, मुझे कॉल करना तुम 8 बजे। तो क्या करना था भाई, आपको इमेज को टॉगल कराना था, तो IM1 IM1 dot toggle टॉगल। और ये फंक्शन सभी स्मॉल में ही है, IM2 दूसरे वाले बटन का, आप तीसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे क्या करना है, टॉगल करना है। तो आईडी क्या है, IM1 है पहले वाले इमेज की, दूसरे वाले की इमेज की आईडी क्या है, IM2, टॉगल कर लिया। ये क्या कंपलसरी है क्या, ये स्पीड पैरामीटर क्या कंपलसरी है? सर जेक्वेरी की सारी वीडियो अपलोड कर दीजिए प्लीज। सर अपलोड तो है, ग्रुप में भेजा भी गया है। क्यों, सारी वीडियो ग्रुप में भेजी गई है भाई, बताओ सारा वीडियो भेजा गया है कि नहीं ग्रुप में? यस सर आया है, ग्रुप में गया है, आप ग्रुप से देखना।
फर्स्ट डे की नहीं है। अच्छा मैं चेक करता हूँ, चेक करता हूँ फर्स्ट डे की नहीं है तो। एक मिनट, कैमरा डिस्चार्ज हो गया। नीतू, नीतू मुसीर भैया से बोलना बैटरी चेंज कर। ठीक है तो देखो, रन कराया तो इस पे क्लिक करने पे हाइड भी हो रहा है और शो भी हो रहा है, हाइड भी हो रहा है शो भी हो रहा है। तो टाइम अगर देना चाहते हो तो आप टाइम दे सकते हो, जैसे हमने कर दिया 10,000 मिली सेकेंड, इसका भी दे दिया 10,000 मिली सेकेंड। तो ये इसी एक ही बटन से आप हाइड भी कर पाते हो और स्लो भी कर पा रहे हो। 10 सेकेंड दिया है तो ये स्लोली हाइड होगा और स्लोली क्या होगा, शो होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो हाइड और शो और टॉगल समझ आया आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। जैसे आपने ये फंक्शन देखा, सेम वैसे ही स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल और कहाँ गया नोट, यहाँ पे सेम वैसे ही फंक्शन, कुछ और 7 फंक्शन और भी बताएं, उसको भी देख लेते हैं। हाइड शो टॉगल वैसे ही क्या है, स्लाइड अप स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल, फेड इन फेड आउट, फेड टॉगल, फेड टू, ये इतने फंक्शन हम लोग देख लेते हैं एक ही पेज के अंदर। तो चलो कुछ डिवीजन, कुछ जैसे इमेज पे आपने हाइट शो करने के लिए यूज किया, वैसे ही देखो, वैसे ही जैसे स्लाइड अप है तो स्लाइड अप फंक्शन का भी यूज करते हैं हम लोग हाइड करने के लिए। और क्यों आगे कर रहे हैं उसको, थोड़ा सेट किया था फिर दिखेगा ही नहीं। देखिए पहले इसको, इसको इधर रोटेट करिए, पहले इसको रोटेट कर लीजिए। ठीक हाँ, प्लग करिए उसको। रहने दीजिए वहीं, ठीक था। बस रहने दीजिए, इधर घुमाइए। अच्छा कोड सेंड कर दें, चलो कोड सेंड कर दे रहे हैं, लेकिन इमेज नहीं मिलेगा, इमेज नहीं आ पाएगा, तो इमेज तुम लोग दूसरा कोई लगा लेना। तो STM हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी, बॉडी की क्लोजिंग सेव कर लेते हैं। demo17.html। चलो जैसे इमेज को हाइड शो किया था वैसे ही हम लोग हाइड शो करेंगे किसका यूज करके, स्लाइड अप स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल, फेड टू फेड 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 आउट, फेड इन और फेड टॉगल, फेड टू, ये भी हाइड शो के लिए ही यूज किए जाते हैं। लेकिन इसको हाइड और शो करने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा, ये हाइड और शो होने का थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाएगा, ये भी शो और हाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। मैंने चलो डिवीजन पे, जैसे एक इमेज पे आपने यूज किया था, अब डिवीजन पे मैं यूज कर ले रहा हूँ। तो डिव डिव क्लास मैंने कर लिया, डिव क्लास इक्वल कर लिया, एक ए क्लास कर लिया, ए क्लास बी क्लास, ए क्लास बी क्लास, ऐसे अल्टरनेट हमने बना लिया, ए क्लास बी क्लास, ए क्लास बी क्लास और बी क्लास कर लिया। फिर ए क्लास ऐसे कुछ डिवीजन बना लिया, आप इमेज बना लेना जिस पे भी आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हो। ठीक है, ए बी ए बी ए बी ए बी, अब सी एस एस अप्लाई करना है। तो चलो कुछ डिवीजन ऐसे बनाया है और
हाँ स्टाइल यूज कर ले। डॉट ए, इसका कुछ हाइट दे देते, हाइट हाइट दे दिया 100 पिक्सल, विड्थ भी 100 पिक्सल, बैकग्राउंड पर्पल कर लेते हैं। आप इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने ऐसे क्लिक कर लिया। फ्लोट लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट में दिखाना है वैसे ही। डॉट बी, ऐसा ही स्टाइल कर लेते हैं, ऐसा ही स्टाइल कर लेते हैं। चलो मार्जिन देना है तो मार्जिन दे दिया, मार्जिन टॉप और बॉटम से मार्जिन नहीं देना है, लेफ्ट राइट से देना है। तो लेफ्ट राइट से देना है तो टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ्ट राइट से मान लो मैंने 10 पिक्सल का मार्जिन देना है। यही सेम सीएसएस इसमें भी अप्लाई करना है, यही सीएसएस मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, केवल बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लूंगा। और बॉर्डर भी अप्लाई करना है तो बॉर्डर भी अप्लाई कर लेते हैं। बॉर्डर दे दिया 10 पिक्सल, सॉलिड येलो कलर दे देता हूँ यहाँ पे। और यही सेम सीएसएस पूरा मुझे इस पे भी अप्लाई करना है, केवल बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। हमने कर लिया लाइट ग्रीन और इसका कर लिया पर्पल, ऐसा कुछ डिवीजन बनाया। जे क्वेरी पे आते, डेमो 17, ऐसा डिवीजन बनाया। ठीक है, हमें फेड इन फेड आउट फेड टोगल और स्लाइड इन स्लाइड स्लाइड अप स्लाइड डाउन स्लाइड टोगल, वैसे फेड टू का यूज करना है इस पे। चलो बटन्स बना लेते हैं, सबके अलग अलग बटन्स बना लेते हैं। इसी डिवीजन बनाया है और नीचे इसके बटन्स बना लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल बटन, इनपुट टाइप इक्वल बटन, और यहाँ पे यूज कर लिया स्लाइड, इस पे यूज करना है स्लाइड अप, और आईडी इसका देना है BTN1, स्लाइड अप और आईडी BTN1 कर दिया। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, आईडी दे दिया BTN1। ऐसे ही हमें 7 बटन बनाने, ठीक है 7 बटन बनाने। एक का एक पे स्लाइड अप यूज करना है, एक पे यूज करना है स्लाइड डाउन, एक पे यूज करना है स्लाइड टॉगल, एक पे यूज करना है स्लाइड टॉगल, और एक पे यूज करना है फेड टू या फेड इन यूज करना है, इस पे फेड इन यूज करना है, और इस पे यूज करना है फेड आउट यूज करना है, और इस पे यूज करना है फेड टॉगल यूज करना है, और फेड टू यूज करना है। ठीक है, फंक्शन स्मॉल में ही है तो स्मॉल में सब कर ले। ठीक है, आईडी भी चेंज कर ले सबका, आईडी भी चेंज कर ले, BTN1 BTN2 BTN3 BTN4 BTN5 BTN6 BTN7। अब देखो ये मैंने डिवीजन पे अप्लाई करना है, अभी डिवीजन पे अप्लाई कर रहा हूं। आप अलग अलग किसी इमेज पे कर सकते हो, जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे उसको आप हाइट शॉर्ट टोगल करा सकते हो, स्लाइड अप स्लाइड डाउन स्लाइड टोगल फेड टू फेड इन फेड आउट फेड टोगल यूज कर सकते हो। तो हमें पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे क्या करना है, पहले वाले बटन पे क्लिक करना है, क्लिक करने पे हमें क्या करना है, डिवीजन को स्लाइड अप करना है, स्लाइड अप यानी कि हाइड करना है, स्लाइड अप करके हाइड करना है, ऐसा करना चाहते हैं। या तो हाइट बढ़ाना है डिवीजन का, थोड़ा सा बड़े में दिखाना है तो आप कर सकते हो। मैंने कर लिया 5 डिवीजन है, 250 कर लिया, चलो थोड़ा बड़ा दिखे 250 कर लिया, और इसका भी हाइट कर लिया 250, विड्थ भी कर लिया 250, कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप का आ रहा है, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया तो कम कर लेते हैं, तो इसको 250 ना करके हम कर लेते हैं 200, और इसको भी कर लेते हैं 200, और यहाँ पे भी कर लिया 200, और इसको भी कर लिया 200।
रन कराया, ठीक इस टाइप से। ठीक है, इस पे क्लिक करने पे स्लाइड टॉगल बटन कुछ यहाँ पे भी आ रहे हैं, बटन यहाँ पे भी आ रहे हैं, क्या कर लेते हैं ब्रेक करके नीचे ला लेते हैं, लाइन को ब्रेक करके बटन को, ये डिवीजन है, ये बटन है, क्या करना है लाइन को ब्रेक करके बी आर दे देते हैं, और बी आर दे देते हैं, और बटन कुछ ऐसा है, ठीक है, और भी बी आर टैग देना है, आप देते रहिए। और बटन कुछ ऐसा आया, यहाँ पे बटन आया, स्लाइड अप, इस पे क्लिक करने पे इस डिविजन्स को हमें क्या करना है, स्लाइड अप कराना है। तो पहले तो बटन का क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा और लाइब्रेरी को लिंक करना पड़ेगा, सेम वैसे ही है जैसे आपने हाइट टॉगल और शो फंक्शन यूज किया। तो लाइब्रेरी को लिंक कर लेते हैं यहाँ पे, और इसी के नीचे जेक्वेरी का कोड लिखते हैं, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यूज किया, डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन कर्ली ब्रेसेस, ठीक, फंक्शन और कर्ली ब्रेसेस। हमें बटन पे, पहले वाले बटन पे क्लिक करना है, उसका क्लिक इवेंट बनाना है, तो मैंने क्या किया, डॉलर ऑफ आईडी उसकी क्या है, BTN1, BTN1 उसका क्लिक इवेंट बनाना है, तो क्लिक और इसके अंदर फंक्शन और कर्ली ब्रेसेस, फंक्शन कर्ली ब्रेसेस, यानी कि पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे जो कोड करना है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर करोगे, वैसे ही आपको 7 बटन का क्लिक इवेंट बनाना है। डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे जो कोड करना है इस वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर, दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे जो कोड करना है इस वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तीसरे वाले बटन पे जो कोड करना है इस वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर, फोर्थ वाले पे क्लिक करने पे जो कोड करना है इसके अंदर, फिफ्थ वाले पे जो कोड करना है इसके अंदर, सिक्स्थ वाले पे जो क्लिक करने पे जो कोड करना है इसके अंदर, और सेवेंथ पे क्लिक करने पे जो कोड करना है इसके अंदर करो। क्लियर है, यानी कि सारे बटन का हमने, कोई एरर है वो चेक, कोई एरर है चेक करना है, तो वैसे ही जब जैसे आपने जावा स्क्रिप्ट का एरर देखते थे गूगल कॉन्सोल पे, गूगल का कॉन्सोल नहीं, ब्राउजर के कॉन्सोल पे, अभी मैं बताता हूँ कैसे करोगे, तो वैसे सेम आप इसका भी एरर कॉन्सोल पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं एरर ये, लेकिन एरर बताएगा नहीं, लेकिन कॉन्सोल से चेक कर सकते हो। देखो BTN, पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे मुझे क्या करना है, स्लाइड अप करना है, किसको स्लाइड अप करना है, डिवीजन को, तो डिवीजन पे हमने क्लास डिफाइन किया है, देखो क्लास ए है, इस पे क्लास ए है, इस पे क्लास ए है, इस पे क्लास बी है, इस पे क्लास बी है, इस पे क्लास बी है, इसको हमें स्लाइड अप करना है, तो स्लाइड अप करने के लिए इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते हैं, और क्या किया हमें पहले वाले डिवीजन को स्लाइड अप कराना है, तो क्लास है इसलिए क्या यूज करोगे, हैश की डॉट क्लास को सिलेक्ट करना है, क्लास ए वाले डिवीजन को, जितने भी क्लास ए वाले डिवीजन है उसको मैंने सेलेक्ट किया, क्या करना है गाइस, स्लाइड अप करना है, क्या करना है, स्लाइड अप करना है, डॉट ए, ए वाले क्लास को मैंने सेलेक्ट किया और स्लाइड अप करना है, तो स्लाइड और अप का यू कैपिटल कैमल केस में लिखोगे, और सेम वैसे ही आप यहाँ पे स्पीड पैरामीटर पास करते, यानी कि स्पीड या तो क्या हो सकता है, टाइम मिली सेकेंड में हो सकता है, या तो फास्ट हो सकता है, या तो स्लो हो सकता है, या तो मीडियम हो सकता है, जैसे आपने हाइट शो और टॉगल के अंदर स्पीड पास करते थे वही स्पीड यहाँ पे आप पास कर सकते हो। मैंने किया 2 सेकेंड, यानी कि 2000 मिली सेकेंड, यानी कि जब पहले वाले बटन पे क्लिक करोगे तो जिसका क्लास ए है, किसका क्लास ए है, 3 डिवीजन पे क्लास ए आपने कॉल किया है, ये तीनों स्लाइड अप कर जाएगा, यानी कि स्लाइड अप करके हाइड होगा, और स्लाइड अप करके हाइड होने में कितने सेकेंड का टाइम लगेगा, 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। देखो रन कराते हैं, किस पे क्लिक करने पे किया है आपने, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, मैंने क्या किया इस पे क्लिक किया, हाइड हो रहा है, स्लाइड अप करके हाइड हो रहा है, 2 सेकेंड का टाइम लगा हाइड होने में, हुआ कि नहीं, आपने 5 सेकेंड किया, तो जब इस पे क्लिक करोगे तो जो ए वाला क्लास है,
वो 5 सेकेंड में हाइड होगा। दिख रहा है? क्लियर है? समझ पा रहे हो? सर हम लोग कॉलेज से आते हैं, इतना ही रख दीजिए। ठीक है ठीक है, बस ये कंप्लीट करें फिर छोड़ता हूँ। ठीक है, वैसे ही क्या करना है आपको, बी वाले को भी हाइड करना है तो बी वाले को भी कर सकते हो, डॉट बी। और वैसे क्या करना है, जितने सेकेंड में हाइड करना है, हमने 5 सेकेंड और बी को 6 सेकेंड किया, तो ये 5 सेकेंड में और ये 6 सेकेंड में हाइड होगा। ठीक है ना? क्यों? तो ऐसे आप फास्ट लो मीडियम भी कर सकते हो, तो करते रहना। तो पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे क्या करना था, जिसको हाइड करना था इसी को मैंने कॉपी कर लिया। दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे क्या करना है, स्लाइड अप करना था हमने। दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे क्या करना था, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते हैं और स्लाइड डाउन करना है, तो वही कोड मैंने पेस्ट कर लिया। और क्या कर लिया, स्लाइड डाउन। दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे जैसे स्लाइड अप हो रहा था पहले वाले पे, इस पे क्लिक करने पे स्लाइड डाउन करके शो होगा। आप फास्ट भी कर सकते हो, इसको मैंने कर दिया फास्ट और इसको कर दिया स्लो या मीडियम, तो ये जो शो होगा वो स्लो और फास्ट ऐसे होगा। पहले पे क्लिक किया हाइड हुआ, यानी कि स्लाइड अप हुआ, और इस पे क्लिक किया तो क्या हुआ, स्लाइड डाउन हुआ। क्यों? दिख रहा है? इस पे क्लिक किया हाइड और इस पे क्लिक किया तो हुआ। तो ऐसे आपने देखा, यानी कि दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे क्या हुआ, शो करा रहे हो, यानी कि स्लाइड डाउन कर रहे हो। वैसे ही स्लाइड टोगल पे क्या होगा, यानी कि अगर स्लाइड अप है तो स्लाइड डाउन काम करेगा, अगर स्लाइड डाउन है तो स्लाइड अप, यानी कि स्लाइड अप और डाउन के बीच में क्या करेगा, टोगल प्रोवाइड करेगा। स्लाइड अप और डाउन के बीच में क्या करेगा, टोगल प्रोवाइड करेगा। एक मिनट। हाँ, तो इसको भी आप स्लो स्लो मीडियम कर सकते हो, मैंने फास्ट कर दिया और इसको स्लो कर दिया। या तो टाइम मिली सेकेंड में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मिली सेकेंड में, या तो फास्ट और स्लो पास कर दिया। और फंक्शन कौन सा, टोगल, टोगल, और इसको भी कर दिया टोगल। ठीक है, तो इस पे क्लिक करने पे केवल स्लाइड अप हो रहा था, इस पे क्लिक करने पे केवल स्लाइड डाउन हो रहा था, लेकिन स्लाइड टॉगल पे क्लिक करने पे स्लाइड अप भी होगा, और स्लाइड अप है तो स्लाइड डाउन होगा, और स्लाइड डाउन है तो स्लाइड अप होगा। देखो एक ही बटन से दोनों का। अब फेड फंक्शन पे आते हैं। फेड फंक्शन पे, फेड फंक्शन को समझने से पहले देखो, आपको ओपेसिटी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। मैं ओपेसिटी की बात करूं, किसी ए में आपको मैं ओपेसिटी बताया हूँ एचटीएमएल में, लेकिन फिर से बताता हूँ, ओपेसिटी प्रॉपर्टी, ओपेसिटी बताया था। अगर बाय डिफॉल्ट किसी भी टैग का ओपेसिटी क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, देखो इसकी ओपेसिटी मैंने किस पे डिफाइन किया है, समझने की कोशिश करो। ए पे मैंने ओपेसिटी 1 दिया है, मैं थोड़ा इसको कम कर देता हूँ, 0.5 किया ओपेसिटी, 0.5 किया, रन कराता हूँ। थोड़ा सा ब्लर हुआ है क्या, ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ब्लर हुआ है क्या, दिख रहा है? और मैं कम करता हूँ, ओपेसिटी क्यों बता रहा हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। 0.4 किया, रन करा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना, किस पे, जिस पे ए वाले पे आपने डिफाइन किया है, थोड़ा और ब्लर हुआ, मैं और कम करता हूँ, 2 किया, देखना और ब्लर हुआ, मैं 0.1 करता हूं, बिल्कुल ही ब्लर हो गया। और मैंने किया ओपेसिटी 0, क्या होगा, गायब, गायब। यानी कि अब देखो, फेड टू, फेड टॉगल, फेड इन, फेड आउट, ये भी किस काम के लिए, हाइट शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। पहले वाले पे हमें क्या करना है, पहले वाले पे आपने 3 पे डिफाइन कर लिया है, फेड इन, फेड इन से पहले हम लोग को क्या करना है, फेड आउट करेंगे तब फेड इन करेंगे, तो यहाँ पे फेड आउट कर लेते हैं और इस पे हम लोग कर लेते हैं फेड इन। तो देखो फेड आउट में क्या होता है,
कि जैसे आप फेड आउट करोगे तो फेड आउट से भी क्या होता है, जैसे स्लाइड अप के, स्लाइड अप में क्या हो रहा था कि स्लाइड अप में भी आपका एचटीएमएल एलिमेंट हाइड हो रहा था, लेकिन हाइड होने का थोड़ा सा तरीका अलग था, वो स्लाइड करके हाइड हो रहा था। फेड आउट में क्या होगा कि फेड आउट में भी हाइड ही होगा, लेकिन फेड आउट यानी कि हाइड होने का तरीका थोड़ा सा स्टाइल अलग होगा, यानी कि उसकी ओपेसिटी 1 से आपने 0 किया था, ओपेसिटी क्या किया था आप जैसे जैसे कम करते जा रहे थे वो फेड होता जा रहा था, हो रहा था कि नहीं, यानी कि ओपेसिटी 1 था, ओपेसिटी 0.5 था तो थोड़ा सा फेड हुआ, ओपेसिटी 3 किया था 0.3 तो और फेड हुआ था, अगर 0 कर दिया था तो पूरा हाइड हो गया था। तो फेड आउट में क्या होता है कि ओपेसिटी जो भी जैसे आपने दे दिया फेड आउट ऑफ 2000 मिली सेकेंड, तो क्या होगा कि 2 सेकेंड में वो इमेज जो आपका एचटीएमएल सेलेक्टेड एचटीएमएल एलिमेंट है वो ओपेसिटी 1 से क्या होगा, 0 होगा, 0 हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, यानी कि उसकी ओपेसिटी 1 से 0 होने में जो टाइम लगेगा 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, करके देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो पहले वाले यानी कि आईडी कौन सा है, BTN4 पे क्लिक करने पे, BTN4 पे क्लिक करने पे क्या करना है, BTN4 पे क्लिक करने पे मैंने इसको ही सेलेक्ट कर लिया, BTN4 पे क्लिक करने पे आपको क्या करना है भाई, A को फेड आउट करना है, तो मैंने कर दिया फेड आउट, फेड आउट, और इसको भी क्या करना है, फेड आउट करना है, तो इसको भी कर लिया फेड आउट, फेड आउट। फेड आउट का O कैपिटल होगा पहला, इनिशियल लेटर स्मॉल, दूसरा कैपिटल, थोड़ा सा टाइम ज्यादा देते हैं तो आपको क्लियर हो पाएगा। मैंने कर लिया 5000 मिली सेकेंड और ये कर लिया 6000 मिली सेकेंड। देखो डिफरेंस, देखो फेड आउट से भी क्या हो रहा है, ये हाइड ही हो रहा है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी हटा दे रहा हूँ, ओपेसिटी आपको ऐसे बताने के लिए दिया था, ओपेसिटी 0 कर दिया यानी कि हाइड हो जाएगा, ओपेसिटी हटा दिया, तो देखो फेड आउट पे मैं क्लिक कर रहा हूं, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ दिखा, अभी भी हाइड हुआ है। देखो स्लाइड अप पे कर रहे हैं तो भी हाइड हो रहा है, स्लाइड डाउन पे कर रहे हैं तो शो हो रहा है कि नहीं, स्लाइड टॉगल पे कर रहे हैं तो हाइड शो, दोनों ही काम कर रहा है। फेड आउट पे क्या होगा कि फेड आउट पे क्लिक करने पे, फेड आउट पे क्लिक करने पे भी हाइड होगा, लेकिन जो हाइड हो रहा है उसकी ओपेसिटी क्या हो रही है, 0 से लेके 1 हो रही है, यानी कि थोड़ा सा वो फेड होते 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 वो गायब हो रहा है, दिखा था आपको। देखो मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी ओपेसिटी क्या हो रही है, 1 से 0 हो रही है, और 1 से 0 होने में जो आपने टाइम पास किया यहाँ पे टाइम लिखा है, यानी कि पहले वाले डिवीजन यानी कि जिसका क्लास ए है उसका ओपेसिटी 1 से 0 हो रहा है, और 1 से 0 होने में कितने सेकेंड का टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड, और इसके लिए 6 सेकेंड। क्यों समझ पा रहे हो, तो देखो रन कराते हैं और फेड आउट किया, ओपेसिटी देखो ब्लर हो रहा है, ओपेसिटी कम हो रहा है और ये गायब। तो ऐसे ओपेसिटी का यूज कर सकते हो, फेड आउट का यूज कर सकते हो, इसका जस्ट अपोजिट यानी कि हिडन को क्या कर देगा, जो भी फेड आउट है तो इन करने के लिए, शो करने के लिए फेड इन कर लोगे, और जो भी फास्ट लो मीडियम, आपको टाइम हमने ज्यादा दिया था इसलिए कि समझ आए, हमने फास्ट कर दिया, इसको कर लिया स्लो। रिकॉर्डिंग नहीं लगाया था क्या मैंने, लगाया था ना, हाँ लगाया था। तो देखो फेड इन किया, फेड इन होगा नहीं, फेड आउट किया, पहले फेड आउट होगा तब फेड इन होगा, तो फेड आउट हुआ और फिर फेड इन हुआ, फेड आउट, और देखो फेड इन किया तो ऐसे फेड इन हुआ। अब फेड टॉगल क्या करेगा, अगर फेड आउट है तो फेड इन करेगा, फेड इन है तो फेड आउट करेगा, तो इस पे आते हैं, फेड आउट है तो फेड इन होगा, फेड इन है तो फेड आउट होगा, यानी कि फेड टॉगल दोनों के बीच टॉगल प्रोवाइड करेगा, फेड टॉगल तो दोनों के बीच टॉगल प्रोवाइड करेगा, क्लियर है। तो देखो
अब एक ही से क्या होगा, है ना, और एक ही से सो भी होगा, हाइट सो, लेकिन हाइट होने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है। लेकिन अब देखो लास्ट फिट टू क्या है, फिट टू से क्या होगा, इसमें जब क्लिक कर रहे हो, इस पे जब क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, यानी कि ओपेसिटीज की फेड आउट पे क्या हो रहा है कि ओपेसिटी 0 हो जा रही है, फेड इन पे क्या हो रहा है ओपेसिटी 1 हो जा रहा है, लेकिन फेड टू पे क्या होगा कि ओपेसिटी आप 0 नहीं करना चाहते हो, 1 नहीं करना चाहते हो, किसी ओपेसिटी पे आप रोकना चाहते हो, तो वो ओपेसिटी आप डिफाइन कर सकते हो। इसमें दो पैरामीटर पास करते हैं। देखो अगर इस पे लास्ट वाले बटन पे क्लिक करने पे फेड टू करना है, यहाँ पे आते हैं, किसको फेड टू करना है, एक मिनट, क्लास अभी छोड़ रहे हैं, वीडियो अपलोड करके जाना है, बता दो। हाँ यार, तुम लोग भी रुक जाओ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो फेड टोगल, फेड टू, ठीक है, फेड टू। तो फेड टू में क्या होता है कि फेड टू में अगर फेड आउट की मैं बात करूं तो फेड आउट में क्या हो रहा था कि ओपेसिटी 1 से 0 हो रहा था, फेड आउट में यही तो हो रहा था कि ओपेसिटी 1 से 0 हो रहा था, और फेड इन में क्या हो रहा था कि ओपेसिटी 0 से 1 हो रहा था कि नहीं, यही तो हो रहा था, बताओ मुझे। फेड आउट में क्या हो रहा था कि ओपेसिटी 1 से 0 हो रहा था, फेड आउट में ओपेसिटी 1 से 0 हो रहा था, कोड दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, और फेड फेड आउट में ओपेसिटी 1 से 0 और फेड इन में 0 से 1 हो रहा था, लेकिन हम ओपेसिटी को 0 नहीं करना चाहते हैं या 1 नहीं करना चाहते हैं, आप जिस पॉइंट पे आप ओपेसिटी डिफाइन रोकना चाहते हो, मैंने कर दिया है कि ओपेसिटी क्या हो जाए, यानी कि कहाँ तक ओपेसिटी ले जाना है, 0 नहीं करना है, 1 नहीं करना है, तो आप पॉइंट में वैल्यू पास कर सकते हो, यानी कि 0.7 कर लिया, अभी क्लास छोड़ रहा हूँ। हाँ ठीक है, कर लेना रूम से, लेकिन टाइम लगेगा रूम से अपलोड। ठीक, 0.6 कर दिया, यानी कि अब फिट आउट में क्या होता था कि 0 हो रहा था यहाँ, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, ओपेसिटी क्या हो जाएगा 0.6 पे जाके रुक जाएगा। यहाँ पे स्लो में अगर कर लिया मैंने ओपेसिटी, ओपेसिटी मान लो कर लिया 0.43 कर दिया, तो अब 0 नहीं होगा, ना ही 1 होगा, क्या होगा ओपेसिटी, जब फेड टू वाले पे क्लिक करोगे तो उसकी ओपेसिटी जो भी रहे, चाहे 0 रहे चाहे 1 रहे, वो कहाँ पे चला जाएगा, ये वाला डिवीजन 0.6 पे। अभी मैंने ओपेसिटी चेंज करके आपको बताया था, दिखाया था कि जितना कम करते जा रहे थे उतना वो ब्लर होता जा रहा था, जितना आप ज्यादा कर रहे थे उतना डार्क होता जा रहा था। तो फेड टू में यानी कि जिस पे भी आप जितनी ओपेसिटी पे रोकना चाहते हो उतनी ओपेसिटी आप कॉमा से सेपरेट करके डिफाइन कर सकते हो, जितना, ये जरूरी नहीं है कि 0.6, जरूरी नहीं है कि 0.3, जितना आप करना चाहते हो 1 से 0 के बीच में उतना आप डिफाइन कर सकते हो। तो बस इतना सा था, ये कुछ फंक्शन, जैसे हमने कर लिया फ्लाइट टोगल और फ्लाइट टोगल, फिट टोगल, तो फिट टोगल और फिट टू करेंगे तो क्या होगा, ए वाले डिवीजन का जिसका क्लास ए है उसकी ओपेसिटी कितनी होगी, क्या होगी 0.6 होगी, और बी की क्या होगी 0.3, हुआ कि नहीं हुआ, देखो ओपेसिटी कम हुआ है, देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, ए वाले पे 0.6 डिफाइन किया था हुआ, और बी वाले पे 3 डिफाइन किया था, कुछ ज्यादा ब्लर हुआ है। तो ये क्लियर हुआ, समझ आ पा रहा है आपको, समझ पा रहे हो, ये फंक्शन समझ आया, ये सभी फंक्शन समझ आया आपको, बताओ नोट्स बना रहे हो सभी लोग, बताओ स्टूडेंट नोट्स दिखाओ, क्या नोट किया, नोट्स दिखाओ, ये क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, क्लियर है, कोई नोट नहीं कर रहे हो इसलिए नहीं दिखा रहे हो, क्यों? हाँ सचिन कश्यप, आलिशा, सूरज, सूरज, सचिन, सूरज प्रजापति, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ नवीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नेहा मौर्या,
हम लेट हो गए ज्वाइन करने, तो कल से टाइमिंग और लेट कर देंगे। रितिका बहुत बढ़िया, तो क्या लेट से और क्लासेस कितने बजे कर दिया जाए बताओ? अगर आपको रूम पे पहुंचने में, घर पे पहुंचने में लेट हो रहा है, तो आप, मैं इसकी क्लास 7:30 से कर देता हूँ, 7 बजे के बाद। ठीक है, 7 बजे के बाद मैं देखता हूँ, देखता हूँ। देखो चलो, कोड चाहिए, कोड चाहिए, मैं कोड आपको सेंड कर देता हूँ। तो कोड कॉपी किया, ये कोड बड़ा है, ये कोड बड़ा है, तो कॉपी नहीं हो पा रहा है और सेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इसका एसएस ले लो, इस कोड का आप एसएस ले सकते हो, इस कोड का एसएस ले सकते हो। ठीक है, लाइन नंबर 1215, लाइन नंबर 1215। एसएस ले लिया क्या? लाइन नंबर 1215। फिफ्टीन टू 29, 15 to 29। ट्वेंटी नाइन टू 43। फोर्टी थ्री टू 57। 57 टू 71, 70 एंड 72 लास्ट। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की क्लास के लिए थैंक यू, ओके बाय बाय, टेक केयर, अब मीटिंग लीव कर सकते हो आप। ठीक है, ओके।